सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, HBSC बोर्ड का 10th का कंपार्टमेंट का, इम्प्रूवमेंट का और एडिशनल वालों का, जी हाँ, जिसका पेपर हुआ था अभी जो 18 तारीख को है, उससे पहले जो जुलाई में भी पेपर हुए थे, उन सभी का जो रिजल्ट डेट है वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा आपको, पक्की अपडेट देने वाला हूँ आपका। इस दिन जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप, जी हाँ, अपडेट जानना चाहते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, आपको सबसे पहले अपडेट जो है हमारे इस चैनल ने दी है। जी हाँ, जिसने भी कंपार्टमेंट के पेपर दिए हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ा है, और उसको पता ही होगा आपके इस चैनल ने सबसे पहले अपडेट दी है। अब आपको रिजल्ट की भी अपडेट दे देता हूँ, तो आपको पता ही होगा आपके जो पेपर है जो जुलाई के आखिर में हुए थे, जो है लगभग 27-28 जुलाई के आसपास, फिर पोस्टपोन्ड हो गए थे, फिर आपके जो है 16, 17 और 18 अगस्त को हुए थे। अब जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है कब आने वाला है 10th वालों का, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कई भाइयों को। सबसे पहले बात तो ये, जी हाँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है लगभग सही आने वाला है इस बार। जो भी पेपर में अच्छा खासा लिख कर आया, जी हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। अब बात करते हैं आखिरकार कब रिजल्ट आएगा, तो आपको बता दूं कि जी हाँ, आपका जो रिजल्ट है लगभग तैयार है। जी हाँ, अगले 2 दिनों में आपका रिजल्ट आ सकता है। आपको मैं डेट बता देता हूँ, या तो 31 तारीख को आएगा या 1 तारीख को आएगा। इन दो डेट्स में से पक्का 1 तारीख को आपका आ जाएगा, ज़्यादा चांस जो है 31 तारीख को आने के हैं। बाकी 1 तारीख को कंफर्म जो रिजल्ट है वो जो अपडेट मिली है वो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं आई है। जी हाँ, आपको लिए सबसे पहले अपडेट ला रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।